मैं सन 91 से श्री रामलीला का मंचन कर रहा हूं मैं, और मैं ईसाई समुदाय से हूं और कैथलिक क्रिश्चन से हूं, और बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है हमारे धर्म से मुझे कि मैं एक धार्मिक अनुष्ठान में कार्य करता हूं मैं। और बड़ा ही हमारे इस मंच पर जो हमारा श्री रामलीला मंचन है फैक्ट्री स्टेट का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक भाईचारे का संदेश देते हैं इस मंच से, और सभी लोग बड़े प्यार से इस श्री रामलीला का मंचन करते हैं, और हम यही संदेश देना चाहते हैं सारी जनता को कि हम सब एक दूसरे से भेदभाव मिटाकर भाईचारे का माहौल प्रकट करें, ताकि हमारे देश का विकास हो, हमारे देश में तरक्की हो और हमारा देश एक अच्छा पहचान बना सके। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ भगवान श्री राम की, प्रभावित क्या, मैं उनको मानता भी हूँ। तो मुझे ऋषि मुनियों का रोल बहुत अच्छा लगता है, जैसे अगस्त मुनि का तो किसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जिस समय मैंने रोल किया तो मुझे उन गहराइयों मिली, ऐसी गहराइयां मिली कि मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो गई। और सदगुरु नानक देव जी का जैसे आदेश था, वैसे महान हस्ती अगस्त मुनि का, अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को रावण को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र दिया, किंतु ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे मुझे सिख भाइयों ने प्रश्न किया कि तुसी उत्थे काम करते हो, तुसी उत्थे रामलीला बीच की मिलता है, तुसी रामलीला खेलते हो, मैंने कहा तुसी उत्थे साडे नूं ज्ञान मिलता है जी, सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है। जैसे वाहेगुरु जी ने आदेश दिया तो वाहेगुरु का पालन करते हुए मैं राम की सेवा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं मुसलमान तो हूँ, और उससे पहले एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तानी होने का मतलब है कि जो भी हिंदुस्तान में हो रहा है अपने देश के प्रति, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। और रहा बात मुस्लिम होने के नाते, और ये परशुराम का करैक्टर और रामायण में काम करना, रामलीला में काम करना, तो ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित बात है। मुझे दूसरे धर्म को समझने के लिए समझना चाहिए, और हर प्रत्येक आदमी को समझना चाहिए। अगर हर आदमी समझने लगेगा तो ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं रहेगा। जब हिंदू मुसलमान के धर्म को समझेगा और मुसलमान हिंदू के धर्म को समझेगा तो ये दूरियां खुद ब खुद मिट जाएंगी। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो इस वक्त का माहौल चल रहा है हिंदू मुसलमान को अलग करने का, अगर यही संदेश कहीं आजादी से पहले चल रहा होता तो शायद हमारा देश आज आजाद नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि जैसे 1947 से पहले हमारा मुल्क एक था, सारे लोग एक सूत्र में बंधे हुए थे, ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था, प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी था, तब जाके सब हिंदुस्तानियों ने आजाद कराया हमारा देश। अगर हिंदू मुसलमान ने नहीं आजाद कराया, सिर्फ हिंदुस्तानियों ने आजाद कराया हमारा भारत देश।